विगत दिवस हिमाचल के चंद्रताल में फंसे सिपनी मालवा के लगभग 18 लोगों से परिजनों का 4 दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बच्चों के माता पिता सहित परिवार के लोग काफी परेशान थे। वही गुरुवार शाम होते होते सभी 18 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लाया जा चुका है, जिसके बाद सभी लोगों की अपने अपने परिजनों से बात भी हो गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया सहित नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन से परिजनों के द्वारा मदद की गुहार लगाई गई थी। वही नर्मदापुरम कलेक्टर ने भी हिमाचल संपर्क कर जल्दी फंसे हुए लोगों को निकालने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद पीएमओ और गृह मंत्रालय से फोन पर भी बात हुई थी। परिजनों के द्वारा फंसे हुए लोगों से फोन पर चर्चा कर उसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें युवक के द्वारा बताया जा रहा है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिसके बाद सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए एवं उनके द्वारा ग्रुप फोटो भी सोशल मीडिया पर डाली गई। हाँ रोनी और तुम बात करना, रोनी मैं भी तो आऊँ। हेलो अभी क्या कर रहे, एंट्री कर रहे, चलो तुमको बात करो तुम। हेलो, अरे यार वो क्या तो रोनी और गच्चू तो काले हो गए रे। और बाकी चलो तुम तो, हेलो एक मिनट दो ही दिन तो कह रहे काले हो गए काले। हाँ तो नमस्ते नमस्ते, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। हाँ तुम तीनों की तो पहले ही हो गई, तीनों की तो पहले ही हो गई ना, दो बार में ले लो निकल, तीनों की हो गई है। चेहरा तो बता, चेहरा बता, चेहरा। हाँ हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए। हाँ दीपू अब रोनी की बता, अब रोनी बता। अरे वाह वाह वाह, और कैसे हो? हटाओ, अरे तुमने हमको घबरा दिए थे यार, हम तो, अरे हम तो हमारी जान हम भी जान रहे हैं, आज हमारे चेहरे पर खुशी आई है। और रोनी कहाँ, रोनी चलो हो गए बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है। तो मेरे बेटे बहू के साथ 14 लोग सिवनी मालवा से और गए थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ और बर्फबारी से प्रभावित हुआ था, वहाँ पर वो चंद्रताल में फंस गए थे। मैं अब आज मेरे बेटे बहू और सभी 15-16 लोगों से वीडियो कॉल पर बात हुई है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार और प्रशासन का, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी का और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्थानीय पत्रकारों ने इसको एक मुद्दा बना लिया, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इस ऑपरेशन को सफल बनाने में लग गई। मैं सभी पत्रकार साथियों का, हमारे स्थानीय नेता और मित्रों का, हमारे सिवनी मालवा के सभी नागरिक बंधुओं का, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ, और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग करके, और चंद्रताल लेक से पिछले 5 दिनों से हमारी कोई बात नहीं हो रही थी, हमारे फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए जो सहयोग किया, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत।